जो कहता था जमुना पार पहुंचा दूंगा खट्टर तेरे को, और उसने क्या किया, जाके नरेंद्र मोदी के घुटनों में जाके बैठ गया। आपने कह दिया जी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसका दादा उप मुख्यमंत्री रहा, उसका बाप मुख्यमंत्री रहा, उसका चाचा मुख्यमंत्री रहा, ये साले एमपी रहे, और हम फिर आज करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए जातिगत जनगणना की एक पहलू है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस देश के नहीं है, ये हमारी मुख्य मांग है। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, लोगों को पता है कि मेरी जात 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 गिनती जाएगी। जात नहीं गिनी जा रही है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास शिक्षा कितनी है, आपके पास रोजगार कितना है, आपके पास इस देश की कॉमन लैंड कितनी है, ये जो सारे मेन जो मलाईदार चीज़ें हैं जो एक भविष्य को तैराते हैं, उनकी गणना होती है। और वो जब गन्ना होगी तो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात जहाँ है वो वहीं से मिलेगी। लेकिन लोगों ने क्या रखा है, पार्टियों ने आज तक क्या किया, अपने फायदे के लिए गुलाम 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 पैदा कर दिए गए। जो रिजर्वेशन राजनीतिक का 10 साल के लिए था, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो सत्ता के अंदर बैठे हैं उन्होंने उसको बढ़ाते 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 रहिए। अरे इसको ठोकर मार देते, अगर इस रिजर्वेशन को ठोकर मार देते तो आज प्रधानमंत्री, आज गृह मंत्री, आज राष्ट्रपति इस देश के अंदर दलितों का और अति पिछड़ी जातियों का होना चाहिए था। लेकिन आज दुर्भाग्य क्या है कि हम कहीं ना कहीं मलाई चाटने के लालच के अंदर इतने मस्त हो गए। क्या कौन सा शब्द हम यूज करें, वो हालात बद से बदतर हो गई है। आज जो हमारे साथ शोषण करते हैं, जो हमारे साथ रेप करते हैं, जो हमारी हत्याएं करते हैं, जो मूछ रुकने पे, जो घोड़े पे बैठने पे, आज हमारी ये हालात हो गई है कि हमने उनके साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। मतलब ये हरियाणा का देख लीजिए ना क्या हुआ है। मतलब जो पिछली सरकार को झुकाया, जो कहता था जमुना पार पहुंचा दूंगा खट्टर तेरे को, और उसने क्या किया, जाके नरेंद्र मोदी के घुटनों में जाके बैठ गया और पूरे हरियाणा के मलाईदार पद और वो खुद लेके चला गया। और आज क्या करा, 6 महीने सत्ता से बाहर निकाल दिया। अब जाके ना उसने देखा कि वोट बैंक किसका है, जो सबसे भोले भाले लोग कौन हैं उनको साधा जाए। अब जाट काबू नहीं आएगा, जाटों को पता लग गया है। अब उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इतने भोले लोग हैं, इतने अनसमझ हैं कि इनको साध लो। अब इन लोगों को पता नहीं है, भाई साहब ने हाथ मिला लिया। अरे जमीन पे क्या है, आप जमीन देख लीजिए, तमाम लोगों को जो वहाँ पूरे के पूरे गांव जला के जलाए थे, लोगों की हत्या करी थी, उनके साथ लड़ने की बजाय किंग मेकर की भूमिका होती, हमारा सीना चौड़ा होता कि आप अकेले लड़ते। अरे मूल पिछड़े वर्ग के कमार खाती नाई तेली धोबी धानक चूड़ा सैसी बावरी, अगर इन जातियों से अगर नेता निकालते तो 5,000-10,000 वो बोलना भी सीखता, वो अपनी बात रखता और इस देश के अंदर लीडर बनता। आपने क्या करा है, आपने ली 20 और उसको दे दी 70, और सबसे दुर्भाग्य बात आपने कह दिया जी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उसका दादा उप मुख्यमंत्री रहा, उसका बाप मुख्यमंत्री रहा, उसका चाचा मुख्यमंत्री रहा, और हम फिर आज करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये बड़ी शर्म की बात है, सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि तू मुख्यमंत्री होगा। अरे तेरे बगल में हरियाणा के प्रभारी बैठे थे, आप उसका नाम ले लेते, कम से कम है जिन्होंने हमारी हत्याएं तक करी है। अब मतलब और कुछ कसर भी बची है क्या? ये दर्द है, मेरा दर्द नहीं है, पूरे हरियाणा का अगर आप सर्वे कर लीजिए 10 विधानसभाओं के अंदर, 90 विधानसभाओं के अंदर, 10 लोकसभा के अंदर, आपको फैक्ट पता चल जाएगा। लोग जमीन पर जूता लेके खड़े हैं, जहाँ दुष्यंत चौटाला का नाम आएगा वहीं उसका विरोध होगा। एक बात बता दीजिए कि अभी आरक्षण की बात कर रहे थे कि आरक्षण में क्रिमिनल एयर लागू किया जाएगा, तो आरक्षण कुंभ में जब वर्गीकरण हो रहा है तो फिर बहुजनों को क्या दिक्कत हो रही है? उससे तो जो जो नौकरी पेशे में नहीं रहे हैं, जो गरीब तबके, उनको मौका मिलेगा, उनका कहना है? नहीं देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े लोगों ने, सामाजिक लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि भाई हम लड़ेंगे नहीं, विवाद नहीं बढ़ाएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी थे। लेकिन कुछ लोगों को क्या हो रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जल्दी में है, वो जल्दी वल्दी में कुछ भी नहीं है। आज तक इतनी जल्दी में थे, इतने हम ताकतवर थे, इतने हम बाहुबल थे, इतने हम वैचारिक लोग थे, पहुँचे कहाँ हैं? 4 बार तो भैंजी गिरा दी है, ये थोड़ा बहुत कि मैं दाना इकट्ठा किया था, अब कहाँ चले गए? देखिए जो पीछे रहा है उसको उसका हक मिलना चाहिए। हरियाणा के अंदर 16-17 विधानसभाएं हैं,
17 विधानसभा में दो दो बनते हैं धानक और बाकी बनते हैं शेड्यूल कास्ट से चमार। अरे भाई ये दर्द नहीं होगा क्या? ये मेरा भी दर्द है, मेरी भी टीस है। अगर मान लो कि आपको अगर मिल रहा है, आप यूं नहीं कह सकते कि आप गटर में बैठे रहे। अरे आपका फर्ज था, आपकी जिम्मेवारी थी, एक ही जाति को एक ही काम क्यों, जब उसी कोटे से आपको मिल रहा था। अरे तेरा घर भी मेरा घर भी बगल में, अरे भाई आ जा, तेरा बेटा कौन सी क्लास में है? अगर मेरा बेटा प्लस टू में है और आपका बेटा सिक्स क्लास में है तो जवाबदेही मेरी थी कि उसको साथ लेके चले। अब ये कह दे के जी वो तो पढ़े नहीं लिखे नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब एक कोटे से दो कोटे किसने बना दिए? अगर हम इसमें शालीनता से विचार करते, तमाम जो हमारे लीडर है वो अगर चर्चा करते, तो हमारे घर में जो मनवादी लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, और जो केंद्र सरकार जो बीजेपी है, अगर वो चाह रही थी उस काम में वो कामयाब हो गए, और हमने आज भी सद्बुद्धि नहीं आई है, बैठ के डिस्कशन करना चाहिए था। आज यो लिखा हुआ ना सीधा EWS लिख दिया ना, इसमें होना चाहिए। अरे इसको पहले दिखा लेते, जब उनको वो और हामियों को दिया, उन नालायकों को दिया, छुट्टियाधारी जनेऊधारी तिलकधारियों को दिया, क्या उस टाइम हमारी आंखों पे कोई चश्मा लग रहा था? जब निकाह कि मेरा समाज जो है वाल्मीकि समाज है, मेरा जो और समाज वो पीछे रह गया उसको बराबर में लेके आए। लेकिन जब आज खुद जो नु दिखा कि यहाँ नुकसान होने वाला है, जब जाके हम सचेत हुए हैं। और आज भी बहुत से लोग जो अनगल बयान दे रहे हैं ना जवानी में, ये ठीक नहीं है। परिवार फटेगा, लोग मजे लेंगे, और आज के लोग विधानसभा चुनाव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाल्मीकि समाज को साधने की तैयारी करने लग रहे हैं। अगर वो उसको साध लेंगे तो मूल पिछड़ा वर्ग 40% आबादी है अति पिछड़ों की, जो हरियाणा के अंदर OBC ए और बी कैटेगरी है। जो ए कैटेगरी के लोग हैं ना, वो सीधे के सीधे उधर पूछ कर देंगे, कुछ भी ना बचना है। आप जमीन पर धरातल पर सही से आइए, और आपके ये राजनीतिक मजबूरियां हैं। राजनीतिक मजबूरियां इतनी थी, फर्स्ट चुनाव था आपका, दूसरा चुनाव था, आप गले लगाते वाल्मीकि समाज को, आप गले लगाते चमार समाज को, आप गले लगाते मूल अति पिछड़े को, कमार खाती नाई तेली धोबी को, तो आपका सेहरा होता। आप 20 पर लड़ेंगे, आप कहते पूरे देश का मैं बहुत बड़ा किंग मेकर हूँ, और यहाँ के टाई टाई फिश भाई टंके की चोट पर कहते तुम्हारी 10 पार्टियाँ हैं और हम किंग मेकर हैं। किंग मेकर की भूमिका में आते और 20 उसको देते, 10-70 खुद लेते, तब हमारा सीना चौड़ा होता, तब हम कहते हमारा नेता है, हम जानदार हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं, डर मतलब कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला से गठबंधन करने के बाद बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती नहीं, महागलती है, स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ये खुद लड़ते तो आज इतने वोट इनके आएंगे, उससे डबल वोट आते। चंद्रशेखर एक ब्रांड बन के निकला था, लोग चाह रहे थे उसको, लेकिन यहाँ उन्होंने चूक करी। हम पहले से भी कह रहे हैं निराशा है, और बाकी चुनाव के बाद ये तो नाई वाले बाल हैं, नीचे आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो गठबंधन के लिए देखिए जो वंचित समाज के लोग हैं, जो कैडराइज लोग हैं, आप जितना मर्जी हल्ला गुल्ला कर लीजिए, उनको कोई असर नहीं पड़ता, वो वहीं रहेंगे। जो ये नया जो ब्रांड तैयार हो रहा है, ये बहकाया जा रहा है, इसको समझ तो है नहीं। हमने कह रहा 4 घंटे नहीं बैठ सकते भाई, जब तक आप 8 घंटे 10 घंटे मानेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? यहाँ तो आगे बढ़ने वाली तो बात ही नहीं है, या तो खाली एक ही नारा पाएगा जय भीम। महात्मा ज्योतिबा फूले, जो बाबा साहब ने उसको अपना गुरु माना, एक भी आदमी का अगर किसी का ज्योतिबा फूले का, फैक्ट फाइंडिंग करके जाइए, मैं कहता हूँ आपसे 50 लोगों से कम फैक्ट फाइंडिंग करके जाइए, अगर एक भी ज्योतिबा फूले का नाम ले दे तो देखिए इतिहास, मतलब क्या शब्द कहूँ मैं, अपना कुत्ता टोमी और दूसरा कुत्ता, मतलब ऐसे नहीं होता। उन महापुरुषों ने संघर्ष किया है, उसकी बदौलत हम आज खड़े हैं, तो आपको सम्मान देना चाहिए। से संत का तमाम सारे ऐसे लोग जिन्होंने कहा हम सामूहिक बन के जा सकते हैं, जब चलेंगे। अगर हम एक किसी को आगे बढ़ाएंगे तो निराशा लगेगी। बहन आज यूपी में क्यों नहीं बन रही है मायावती जी मुख्यमंत्री? जो मूल बेस वोट था, जो आज भी यहाँ पे वो एक जाति का ब्रांड लेके घूम रहे हैं, और यही कमजोरी है, पिटने की, छितने की, कूटने की और हत्या जो होती है, यही कारण है।